हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चंस ऑफ आईटीजेई मेंस 2022। और देखते हैं ये क्वेश्चंस आप लोग को कैसे लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है कि अल्फा बीटा गामा वो थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सच दैट एक फंक्शन एफ एक्स है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स पावर फाइव, बीटा एक्स पावर क्यूब, गामा एक्स। एक्स जो है कोई भी एक रियल नंबर है, जी एक फंक्शन है जो रियल टू रियल नंबर पे डिफाइंड है, एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 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 है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इज एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये नंबर्स है जो ए पी में है विथ मीन जीरो। मतलब क्या है कि अगर इस नंबर का एवरेज निकाला जाए, ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन, इसका अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेट करें तो ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम हियर ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन, ये वैल्यू जो है ये ज़ीरो के बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने का है कि आपके पास जो भी नंबर है वो ए पी में है, नंबर वन नंबर जो है ए पी में है, और दूसरा जो है उनका सम ज़ीरो है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है। नंबर्स आर इन ए पी एंड देयर सम इज़ ज़ीरो, इट इज़ ओनली पॉसिबल इक्विडिस्टेंट टर्म आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। मतलब ए वन जो है वो माइनस ए एन के बराबर होगा, ए टू जो है बराबर किसके होगा, माइनस ऑफ ए एन माइनस वन के बराबर, ए थ्री जो है वो माइनस ऑफ ए एन माइनस टू के बराबर होगा। दैट मीन्स टर्म विच आर इक्विडिस्टेंस्ड मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तभी यहाँ पर सम ऑफ द टर्म्स विच आर इन ए पी शुड बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होने का यही एक कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए आई, जहाँ पर आई का वैल्यू जो है वन से लेके एन तक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ ए वन प्लस एफ ऑफ ए टू। इन दिस वे आपको लिखना होगा एफ ऑफ ए एन। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए वन, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ए वन का पावर फाइव प्लस बीटा ए वन का पावर थ्री प्लस गामा ए वन, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ए टू का पावर फाइव प्लस बीटा ए टू का पावर थ्री प्लस गामा ए टू। इन दिस वे अगर आप लास्ट टर्म लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्फा ए वन का पावर फाइव प्लस बीटा ए नॉट, अच्छा ए एन, लास्ट टर्म जो है वो ए एन होगा, बीटा ए एन इसका पावर थ्री हो जाएगा और गामा ए एन आ जाएगा। तो यहाँ से हम काम करते हैं कि अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा ए वन फाइव करते करते ए एन फाइव तक। फिर अगर आप अल्फा के बाद बीटा को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर से आ जाएगा ए वन का क्यूब प्लस लास्ट टर्म आएगा ए एन का क्यूब। और इन दिस वे अगर आप गामा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए वन और अप टू ए एन। तो यहाँ पर देखो ए वन से लेके ए एन, ये वाला पार्ट तो ज़ीरो है क्योंकि अभी हम लोग कंडीशंस में निकाले थे, तो यहाँ पर गामा इंटू ज़ीरो आ गया। अब अल्फ़ा इंटू क्या होगा, यहाँ पर गिवेन है ना कि ए वन जो है वो माइनस ए एन के बराबर है, तो ए वन का पावर फाइव लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ए एन के फाइव के बराबर। तो दैट मीन्स ए वन फाइव और ये प्लस ए एन फाइव, ये ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर जितने भी टर्म आएंगे उनका एडिशन ज़ीरो है। सिमिलरली पावर क्यूब के भी लिए सेम आएगा ज़ीरो, तो अल्टीमेटली ये ज़ीरो हो गया। तो नाउ सिग्मा एफ ऑफ ए आई, ए आई आई इज इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं वन से एन तो इसका वैल्यू ज़ीरो आता है, और इसके आगे अगर एन से डिवाइड दे देते हैं तब भी ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको निकालना है, जी ऑफ दिस पार्ट, मतलब आपको लेना है जी ऑफ वन बाई एन सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन देन एफ ऑफ ए आई, इसका वैल्यू हो जाएगा जी ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। यस, यहाँ पर ये इनपुट जो है जी ऑफ, ये इनपुट है आपका, ये वाला पूरा का वैल्यू ज़ीरो है, तो आप जी ऑफ ज़ीरो लिखे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका डेफिनेशन है एक्स। मतलब अगर आप लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो तो ये आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है ना। तो जो इनपुट डालेंगे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर एक्स लिखना है।
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, जी ऑफ दिस क्वांटिटी, तो जी ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी एक्स ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जी ऑफ समथिंग। तो नाउ इसमें अगर हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ दिस होल पार्ट विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। अब एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू ज़ीरो का पावर 5 प्लस बीटा इंटू ज़ीरो का पावर 3 प्लस गामा इंटू ज़ीरो। तो इसका वैल्यू फिर जो है ज़ीरो ही आ रहा है, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए फॉर आगरा, आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।